हरियाली तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह व्रत 6 सितंबर शुक्रवार के दिन रखा जा रहा है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए माता पार्वती के पार्थिव रूप की पूजा अर्चना करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत वैवाहिक महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रख सकती हैं? कुंवारी कन्याओं के लिए व्रत के कुछ अलग नियम होते हैं, वह इस व्रत को फलहार पर भी रख सकती हैं। आइए जानते हैं कि अविवाहित कन्याओं को तीज का व्रत किस नियम और विधि से रखना चाहिए। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले हरतालिका तीज व्रत के कुछ नियम। वैसे तो हरतालिका तीज व्रत रखने के नियम वैवाहिक और अविवाहित कन्याओं के लिए समान होते हैं, लेकिन इनका सही ढंग से पालन करने के लिए कुछ नियमों का जानना बेहद जरूरी है। अविवाहिता कन्याओं को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत करने का संकल्प लेकर अपना व्रत शुरू करना चाहिए। संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे वस्त्र धारण करके आपको करना है। हरतालिका तीज एक निर्जला व्रत है, जिसका अर्थ है कि व्रत करने वाले दिन आपको भोजन या पानी का सेवन नहीं करना है। व्रत को उन्हीं नियमों के अनुसार करने का प्रयास करना है जो नियम महिलाएं करती हैं, लेकिन कुंवारी कन्याएं इस व्रत को फलहार के साथ कर सकती हैं। अविवाहित कन्याओं को पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। एक साफ चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र रख दें और फल फूल मिठाई आदि अर्पित करें। इस व्रत की प्रथम पूजा सुबह ही हो जानी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के उत्सव के दौरान अविवाहित लड़कियों को पारंपरिक परिधान धारण करने चाहिए और वैवाहिक महिलाओं को पारंपरिक वस्त्रों के साथ 16 श्रृंगार जरूर करने चाहिए। व्रत रखने वाली अविवाहित कन्याओं को अच्छे जीवन साथी के लिए माँ गौरी से प्रार्थना करनी चाहिए। अगले दिन भोर में माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके व्रत खोलना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत की कुछ बातें हैं जो आपको बेहद ध्यान से याद रखनी है। हरतालिका तीज व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास रखते हुए अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन गलती से भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत अधूरा माना जाता है। यदि आपने हरतालिका तीज व्रत का संकल्प ले लिया है तो इसके बाद भूल से भी व्रत तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से स्त्रियों को अशुभ परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। व्रती महिलाओं को इस व्रत के दौरान रात्रि में सोना नहीं चाहिए। उन्हें रात में जागरण करते हुए भगवान शिव की कथा और स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, साथ ही साथ माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। पति की दीर्घायु के लिए व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन अपने पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज होते हैं और व्रत का फल प्राप्त नहीं हो पाता। व्रती महिलाओं को इस दिन काले रंग से परहेज करना चाहिए और घर के बड़े बुजुर्गों को भूलकर भी आपको अपमान नहीं करना है, ना ही अपशब्द कहने हैं। हरतालिका तीज की पूजा पूरे विधि विधान और सच्चे मन से करनी है। माता पार्वती और शिवजी की विधि विधान से की गई पूजा आपको फल जरूर देगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।